पर्यावरण पूरक त्यौहार मनाने की दिशा में पहल करते हुए गुजरात के राजकोट की देवी मां गोमाई ग्रामीण महिला उद्योग ने इस साल के गणपति उत्सव के लिए सांगली के औदुम्बर में स्थित गोपाल नंदन गौशाला में गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमा को वितरण के लिए रखा है। देवी माई गो मां ग्रामीण महिला उद्योग गुजरात, यहाँ पे इस गणेश मूर्ति की निर्मित हो जाती है और वहाँ से हम ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में औदुम्बर में गोपाल नंदन गौशाला यहाँ पे लेके आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से करते हैं। अभी सरकार और सब लोग बोल रहे हैं कि इको फ्रेंडली गणपति बिठाना है, वो तो बहुत बढ़िया है, उसका ये हो गया है, लेकिन मिलती नहीं है। जब लोग जाते हैं मार्केट में मूर्ति लेना है इको फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पर ये मूर्ति ऐसी कि सिर्फ गोबर की है, देसी गाय के गोबर की मूर्ति बनाई है, इसलिए लाइट वेट है, बहुत वजन बहुत कम है, मिलावट कुछ भी नहीं है, 100% है। ये पानी में हम विसर्जन करते हैं तो पानी का पोल्यूशन नहीं होता बल्कि शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए पर्यावरण के लिए पूरक है। और दूसरी बात यह है कि गोबर का, वैसे तो किसानों को गाय के गोबर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये गणपति की मूर्ति हम बना रहे हैं तो इससे हम गोबर 50 रुपये तक किलो में भाव में खरीद सकते हैं, नहीं तो किसान को भी मिल सकता है इतना पैसा। और ऐसे हम 100 से 200 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले अगले साल में। अभी तो नया नया अभी 10,000 सिर्फ गणपति हम लेके आ रहे हैं महाराष्ट्र में, इसके बाद इसमें बड़ा, बहुत बड़ा गोबर क्रांति करने का सोच है और ये काम हम करने वाले हैं, दोनों संस्था मिलके एक साथ जुड़ के काम करने वाले हैं।